नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बांसुरी में ऑयलिंग करनी चाहिए और अगर ऑयलिंग करनी चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है? क्या ऑयलिंग करने से बांसुरी की आवाज़ दब जाती है, हायर फ्रिक्वेंसीज गायब हो जाती है, आवाज़ में चेंज आता है? तो ऑयलिंग से संबंधित और इन सब प्रश्नों से संबंधित आज का ये लेसन है, आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए लेसन को पूरा ज़रूर देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए आए हो तो, ठीक है? ठीक है, चलो अभी आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल दूंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आपने खाना नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया और आपने खाना खाना छोड़ दिया, तो क्या होगा? बहुत जल्दी आपका शरीर टूट जाएगा। अब अगर आप ये कहोगे कि खाना नहीं खाने से तो शक्ति आती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक वैसे ही बांसुरी को अगर खाना नहीं दोगे तो ये भी बहुत जल्दी टूट जाएगी। लेकिन दूसरी जगह अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, सही समय पर नहीं खाया, हाँ उसका ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने बांसुरी पर सही समय पर ऑयलिंग नहीं करी, कभी भी ऑयलिंग कर दी, बहुत अधिक कर दी, तो भी बांसुरी की आवाज़ सच में दब जाएगी, हायर फ्रिक्वेंसीज गायब हो जाएगी और उतना मज़ा नहीं आएगा, आवाज़ बदल जाएगी। तो सच में अगर आप चाहते हो कि आपकी बांसुरी की उम्र दीर्घायु हो, वो अच्छे से मधुर बजे और मीठी हो जाए, जैसी अभी आपकी बांसुरी है उससे और अच्छी हो जाए, तो आपको सही समय पर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही मात्रा में। तो दोस्तों, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और नवंबर का महीना बहुत बढ़िया महीना है बांसुरी में ऑयलिंग करने का, और फिर आपको पूरे साल भर ऑयलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बांसुरी बढ़िया चलेगी। और ऐसे ही आप अगर हर साल सही मात्रा में, सही मात्रा क्या है इसकी, आपको केवल और केवल 3 से 4 चम्मच बांसुरी में ऑयलिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, छोटी चम्मच। ज़्यादा कर दोगे तो सच में आवाज़ बदल जाएगी। हाँ, मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं, सभी कलाकारों को सुन लिया है, समझ लिया है, थोड़ा रिसर्च भी कर लिया है, तब आपके पास लेसन लेके आया हूँ। निष्कर्ष ये है कि आपको बांसुरी में ऑयलिंग करनी ही है। तो दोस्तों, आपको बांसुरी की ऑयलिंग जो है वो नवंबर के इस महीने में करनी है, इसलिए आपके लिए लेसन लेके आया हूँ। सर्दियों की शुरुआत हो रही है और ये एक परफेक्ट टाइम है बांसुरी को ऑयलिंग करने का। कम मात्रा में ऑयलिंग करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ग्लास भरा और फिर डाल दिया अंदर और पूरे होल्स कवर कर दिए और शेक कर रहे हो और पूरा जोश में आ गया कि सर ने बोला कि ऑयलिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल 3-4 चम्मच ऑयल लेना है और ऑयलिंग करनी है। आप कौन सा तेल बांसुरी में उपयोग कर सकते हैं? तो आप जो है वो सरसों का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं, जैतून का तेल भी यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस तेल में केमिकल होते हैं वो यूज़ नहीं करना है, जो प्राकृतिक रूप से तेल आते हैं वही आप यूज़ करें, जो प्रकृति के करीब हो। तो सरसों का तेल है, नारियल तेल है, ये जैतून है, ये यूज़ करें। बादाम ऑयल अगर ओरिजिनल हो तो यूज़ करना, वो बाज़ारों वाला बजाज आलमंड ड्रॉप मत यूज़ कर लेना, उसमें देखो पीछे पढ़ना कंटेंट क्या क्या होता है उसके अंदर केमिकल्स। मैं पर्सनली सरसों का तेल और नारियल तेल दोनों प्रेफर करता हूँ और कोई समस्या नहीं है। नारियल के तेल से थोड़ा सा अच्छा आपको खुशबू आता है, आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो जब तक खुशबू रहता है। तो ऑयलिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अब ऑयलिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले मेरे पास ऑयल है, फिर मुझे लकड़ी नहीं मिल रही थी तो छत पे दिवाली के दिन रॉकेट आके गिर गया था, तो वो रॉकेट का लकड़ी मैंने देखा है, पर मुझे लग रहा है छोटा पड़ेगा तो छोटी फ्लूट में काम आ जाएगा, नहीं तो मुझे एक रॉड मिली है पतली सी और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लगा दिया है, रुमाल है ये। हाँ, और ये भी नहीं हो, मान लो कुछ भी नहीं हो, तो उसके बाद भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या जुगाड़ कर सकते हो आप जो 100% आपके घर में उपलब्ध होगा? ठीक है, तो मेरे पास ये पुरानी बांसुरी है, ठीक है, ये एक रॉड पड़ी है पतली सी मुझे मिली है। सबसे पहले अपनी बांसुरी को आपको साफ करना है, क्योंकि इस बहाने हम बांसुरी भी साफ कर लेंगे और फिर ऑयलिंग करो उस पर। तो आपके सामने मैं, आप चाहो तो 1.5x पे इसको लगा लो ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और पूरा भी देख पाएंगे। तो मैंने इसको लपेटना शुरू किया,
और रबड़ से उसको मैंने ऐसे मेरा तेल तैयार है। सबसे पहले आप चाहो तो बांसुरी को क्लीन कर सकते हो। ऐसे ये अंदर डाला और बहुत ध्यान से धीरे धीरे इसको हल्के हाथ से क्लीन किया ताकि जो भी कचरा है जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। हाँ, ध्यान क्या देना है कि ये जो कॉर्क है यहाँ पे बांसुरी का कॉर्क होता है, ठीक है, तो ये खराब नहीं होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना आप। तो देखो मैंने ये बांसुरी की गंदगी को साफ, ब्लोइंग होल है उसे आप जो रुई से भी साफ कर सकते हो या जो कानों को साफ करने का आता है ईयरबड्स कहते हैं उससे भी आप साफ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई रॉड नहीं आपको मिल रही है, आपको ऑयलिंग भी करनी है, उसका भी तरीका है बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ऑयलिंग करके दिखा देता हूँ। ओहो, मैं कटोरी लाना तो भूल ही गया, तेल कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा तेल मैं हाथ में ले लेता हूँ। हाँ, बस ज़्यादा तेल आ गया, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत तेल लगाना है हमको, ज़्यादा ऑयलिंग कर लोगे तो ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने अच्छे से आगे की साइड में तेल लगा दिया। ठीक है, मुट्ठी भर तेल लिया हाथ में और आगे लगा दिया। कपड़ा जितना पतला होगा उतना आपके लिए अच्छा है ताकि वो कपड़ा सूखे ना। और अभी बढ़िया इसमें तेल लग गया है और फिर मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा ये इसके अंदर। और ये बांसुरी में ऐसे करके ऑयलिंग करूंगा हल्के हाथ से। समझ में आ गया ना आपको? थोड़ा सा तेल यहाँ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा, बहुत कम। हाँ, ध्यान रहे ज़्यादा तेल से ऑयलिंग नहीं करनी है, बस 4 चम्मच तक। तो 2-3 बूंद यहाँ डाल दिया, फिर 2-3 बूंद मैंने फर्स्ट होल में डाल दिया, सेकंड होल में डाल दिया, 1 बूंद यहाँ डाल दिया, ज़्यादा डाल गया मुझसे, थोड़ा सा यहाँ डाल दिया अंदर। हाँ, जो बाहर टपके गिर गए उनको भी अपने हाथ से मैंने साफ कर दिया और ऊपर बढ़िया ऐसे हाथ से अपने ऑयलिंग कर दी। तो हल्का हल्का एक एक बूंद सब में मैंने, 2 बूंद सब में मैंने होल्स में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया और ऐसे ऑयलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको केवल 3 से 5 मिनट करना है अंदर और बांसुरी की अच्छे से ऐसे घुमा भी सकते हो इसको आप, बांसुरी की ऑयलिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देख भी सकते हो कुछ सूखा तो नहीं रह गया एरिया बहुत सारा कोई। हाँ, तो आपके हिसाब से उसको ये ऐसे कर सकते हो आप ऑयलिंग। यहाँ ऑयलिंग करने के लिए भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो या हाथ में थोड़ा तेल लगाना और ऐसे ऐसे करके इसको ऑयलिंग कर देना। मैं पहले कर चुका हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने अभी नहीं किया है। अभी अगर आपके पास रॉड नहीं है, मान लो कुछ समय आपको लकड़ी नहीं मिल रही, रॉड नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? तो पेपर लोगे एक, देखो ध्यान से देखना, पेपर लिया आपने एक पेपर का टुकड़ा और उसको ऐसे बहुत पतला पतला फोल्ड किया, ओके, फिर आपने उसको डबल फोल्ड कर दिया। यानी कि डबल फोल्ड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पेपर फटे ना, उसमें मजबूती आ जाए, तो उसमें मजबूती आ जाएगी, उसको और डबल कर देंगे। तो कुल मिला के पेपर को डबल फोल्ड कर देंगे हम, पतला और डबल फोल्ड कर देंगे ताकि उसमें मजबूती आ जाए। ये देखो डबल फोल्ड कर रहा हूँ ना मैं, वो आपको अपने हिसाब से करना है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लक्ष्य ध्यान में रखना, लक्ष्य क्या है, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य ध्यान में रखना है। तो ये मैंने कर दिया है, ये पतला लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको हल्का सा और डबल फोल्ड कर सकता हूँ, बस टूटना नहीं चाहिए ये मेरा, फटना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि फटा हुआ पीस अंदर रह गया। अंदर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा सूखने के बाद, ये बाद में आप निकाल सकते हो कैसे भी, लेकिन तो भी कोशिश करना है। तो ये एरिया हमारा तैयार है अंदर जाने के लिए। इसमें चाहो तो पहले साफ़ कर सकते हो ऐसे डाल के अंदर,
ये देखो, हाँ नहीं तो फिर सीधे ऑयलिंग करना है तो थोड़ा सा तेल हाथ में लिया, हाँ मुट्ठी में लिया, बढ़िया इसमें लगाया। मेरे पास कटोरी नहीं है, कुछ है नहीं बॉल, इसलिए मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। देखो ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया पेपर। पेपर से फ़ायदा ये होगा कि पेपर सूखेगा नहीं, तो अच्छे से आपकी बांसुरी को ऑयलिंग मिल जाएगी। हाँ कपड़ा क्या है, कपड़ा सूख रहा था तो थोड़ा सा तेल हाथ में लग गया, उसको मैंने ऊपर लगा लिया ये, और अब मैं आराम से अंदर इंसर्ट करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि पेपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि जितना आप पेपर पे लगाओगे उतना वो टपकता रहेगा तेल, है ना। देखो पूरा तेल बाहर ही है, और कपड़ा क्या है, कपड़ा सूख रहा था तो उसमें आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको बस ध्यान रखना फटे ना ये, ठीक है। तो ऐसे करके ऑयलिंग कर सकते हो, और बांसुरी की आपने ऑयलिंग कर दी है। हाँ रॉड नहीं मिली आपको अगर, तो आपने एक पेपर यूज़ किया, उसको पतला बनाया और डबल कर दिया ताकि वो फटे ना। मुझे पेपर से और भी अच्छा लगा क्योंकि पेपर में टपक रहा था तेल, कपड़े में तेल सोख लिया था, हाँ, और कपड़े में हमको ज़्यादा तेल लगाना पड़ता। तो दोनों ऑप्शन हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ज़्यादा तेल नहीं, केवल 4 चम्मच तेल सफिशियंट है। जैसे अब मैंने करके दिखाया ना, मुट्ठी में लिया, इस पे लगाया और फिर अंदर लगा दिया। तो 3 से 5 मिनट करोगे बाहर की स्किन पर, अंदर और यहाँ पे, और ध्यान रखो कॉर्क को कुछ ना हो। और फिर आपको एक दिन इसको लगा के छोड़ देना है, आराम से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, कपड़ा लगा के छोड़ दो, जैसा भी आपको है। बंद मत करना इसको, इसको आराम से रिलैक्स होने दो, ठीक है, एक दिन के लिए। बजाना मत, एक दिन इसको रेस्ट करने देना, और फिर जब आप बजाओगे तो उसमें अलग ही मिठास आपको सुनाई देगी। आपकी बांसुरी पहले से अच्छी बजेगी, और आपको लगेगा कि आपकी बांसुरी में कॉन्फिडेंस आ गया, एक पावर आ गई सच में, ठीक है। अब ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करना, ऐसा नहीं कि आज भी कर ली फिर वापस वीडियो देखा भावुक हो गए और वापस ऑयलिंग कर ली बांसुरी के लिए, खराब हो जाएगी बांसुरी, आवाज़ ख़राब हो जाएगी ऐसे, ठीक है। एक बार ऑयलिंग करोगे ऐसे, 4 चम्मच तेल, छोटी चम्मच काफ़ी है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, मीठी मीठी बांसुरी बजाते रहो। जय हिंद और जय भारत। Strange evolutionary progress.